दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आपको दिखाते हैं, पूर्णागिरी माता के दर्शन कराते हैं और रास्ताएं दिखाते हैं कितनी खतरनाक खतरनाक हैं। ये देखिए कितनी खतरनाक खतरनाक। हम लोग वहां से आए हैं, अभी जस्ट वो त्रिपाल वगैरह लगे हुए हैं और घूमते 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 यहां से और चलते चलते कितनी ऊँची चोटी पर जाएंगे अभी पता नहीं, अभी चल ही रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। ओ रे बाप रे, ये देखो वहाँ हमें लोगों को जाना है और चल रहे हैं अभी सामने, शायद 20 मिनट की रास्ता और है वहाँ तक पहुँचने के लिए। दोस्तों अब हम देखो कहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से गाड़ियाँ स्टॉप लेती हैं और यहाँ देखिए रुकने का भी इंतज़ाम है, लोग बुलाते हैं, देखो बुला रहे हैं, ये खड़े भाई साहब बुला रहे हैं कि आए यहाँ पर रुको, अब यहाँ पे रुको, यहाँ स्नान करो और आगे बढ़ो, लेकिन हमें आगे जाना है। वीडियो देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। दोस्तों मेले की खूबसूरती देखिए, वाह वाह। अभी भाई चढ़ ही रहे हैं, बेस कैंप पर पहुँचे नहीं। ये कौन सा स्थान, भैरव मंदिर बस पहुंचने वाले हैं, वहीं का ये मेला है सब। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों देखिए नज़ारा रात का, वहां जाना है बहुत खूबसूरत और हम लोग खड़े हैं बहुत नीचे, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब और वहां जाना है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको भी नज़ारे दिखाते रहेंगे। अब दोस्तों पहुंच पाए हैं भैरव बाबा मंदिर के, ये देखिए गेट है। ओह चलते चलते परेशान, कितना बजा है, मोबाइल कहाँ है, नौ बज गया है। अब पहुंच पाए हैं, अब अंदर एंट्री कर रहे हैं, सब प्रभु के दर्शन, प्रवेश द्वार भैरव बाबा मंदिर। इतने ऊंचे तो हम आए भी नहीं जो घंटा बजा सकें, बजाओगे बुला दें, जय हो प्रभु की। अब नीचे उतर रहे हैं, ओह पैर कप गए, जय माता, आपको पूरे दर्शन कराते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जय माता। दोस्तों अब माता रानी के दर्शन होने जा रहे हैं, ये देखिए पीछे का, बस चलते चले आ रहे हैं, ऊपर वो माता जी हैं, यहाँ बस घंटे की आवाज़ सुनाई देने लगी, ये सीढ़ियाँ हैं चढ़ने वाली। अब बस दोस्तों दर्शन करेंगे फिर आपसे बात करेंगे। देखो रेलिंग देखोगे, ये माता रानी की कृपा है, वो माता रानी का मंदिर है, ये यहीं पे अंदर माता रानी विराजमान है। चलो चलो देखो भाई, गाड़ी पे बैठने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है यहाँ तो, अब काफ़ी लंबी लाइन है, कम से कम नहीं कुछ तो आधा घंटा लगेगा गाड़ी के पास पहुँचने तक। ऐसे तो मंदिर में भी नहीं लगाना पड़ा। सही बात है, ऐसे मंदिर में भी लाइन नहीं लगानी पड़ी। वो देखिए दोस्तों वो ऑटो खड़े हैं वहाँ, वहाँ से हम लोग चलते चले आए, लगभग 2 किलोमीटर घूमते हुए ये पूरा घूमते हुए चले आए, अब यहाँ पे आकर के अब यहाँ देखो लाइन जा रही है, सब जाना पड़ेगा। वो बिल्डिंगें दिख रही हैं वहाँ करके, सिद्धेश्वर महाराज हैं, काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। बिल्डिंग दिख रही है, लगभग 2 किलोमीटर नज़दीक दिख रहा है, लेकिन है 2 किलोमीटर प्रभु।